देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपर फास्ट चैनल एसटीवी लद्दाख आवाज करगिल। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता का बहुत बहुत मशकूर हूं। इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया। यहाँ पर कोविड 19 के अंदर जो है इन्होंने बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज़ इन्होंने किया हुआ है। मैं तो खुद तो पहुँच नहीं पाया क्योंकि मैं क्वारंटीन में था। तो मैं सबसे पहले अपने जितने भी कार्यकर्ता है, प्रेसिडेंट से लेके हमारे ऑर्गेनाइजर तक जितने भी मतलब हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में आप मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जब भी हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग जहाँ भी बोलेंगे वहाँ पर आप लोग तशरीफ़ लाते हैं। इसका हम आप लोगों को बहुत मशकूर है। और आप लोगों ने हमारे जितने भी बीजेपी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी काम करते हैं उनको आप हमेशा हाईलाइट करते हैं, लोगों को पहुँचाते हैं। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो भी आप लोग आपके ज़रिए हम आपके माध्यम से हम उनको पहुँचाते हैं। तो इसका मैं बहुत ख़ास कर करगिल के मीडिया का, क्योंकि करगिल ऐसी जगह पर है जो मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तान में सबसे बैकवर्ड जगह हम मानते हैं इस वक्त। क्योंकि इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधा मतलब इतनी जो है 6 महीना जो है हमको रोड ब्लॉक रहते हैं इस हालात में। तो हमारे बातें जो है, हमारे जो लोगों की जो ज़रूरत है, लोगों की जो शिकायत है, लोगों की जो ख्वाहिशात है, वो सब आपके माध्यम से हमारे गवर्नमेंट तक पहुँचते हैं। तो उसके ज़रिए हमारा गवर्नमेंट जो है हमारे लोगों तक वो बात पहुँचाते हैं। तो इसके साथ हमको बहुत आपका साथ जो रिलेशन जो है हमारा बहुत अच्छा रहा और आप लोगों का कॉपरेट भी अच्छा रहा, इसलिए करगिल के मीडिया का मैं बहुत मशकूर हूँ। हमारे मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार का ये दूसरा टर्न का पहला साल जो है अभी ख़त्म हो गया। रिसेंटली हमने यहाँ पर एक फंक्शन भी शुरू किया था। तो उस सिलसिले में जो है इसी एक साल के अंदर, मैं आपको पहले के 5 साल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इसी एक साल के अंदर में जो है मोदी सरकार ने जो है करगिल के लिए खुसूसन जो है जो काम किए हैं उसको थोड़ा इस एक साल में हम प्रोग्रेस पर है, कितना काम किया है उसका मैं वजाहत करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर जो सबसे पहले तो हमारा जो एनिमल बजट है, जो पहले जो है हमारा मारिज में लेफ्ट होता था, हमको गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से जो हमको फंड्स मिलता था 70 करोड़ 80 करोड़ जो भी मिलता था, उसमें भी हमको आधा जो है हम यहाँ खर्च कर पाते थे क्योंकि सीजन शार्ट होता था, तो आधा पैसा जो है फिर वापस लेफ्ट होकर वापस चले जाते थे। तो मैं सरकार का भी बहुत मशकूर हूँ और मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि इसी मतलब हमारा दफ़ा 370 ख़त्म होने के बाद, 35 ख़त्म होने के बाद, जब से ये यूटी गवर्नमेंट आया है, इस गवर्नमेंट के अंदर में जो है हमारे इसमें जो है एनिमल बजट जो है इस वक्त हमारा 5,958 करोड़ जो रुपया जो है नॉन लेविजिबल उन्होंने किया हुआ है, जो कि कभी लेफ्ट ही नहीं होता है, वो हमारे कौंसल के अकाउंट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट में ले जाते हैं। तो जितना पैसा यहाँ आता है वो कभी वापस जाता नहीं है, जो लेफ्ट कभी नहीं होगा। इसका मैं बहुत मतलब थैंक्स करता हूँ गवर्नमेंट का, क्योंकि ये जो है हमारे लिए बहुत एक प्रॉब्लम था, हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हमको 80 करोड़ रुपये जो हम खर्च कर नहीं पा रहे थे, तो ये 5,958 करोड़ रुपये हम कैसे खर्च कर पाते थे एक साल के अंदर। तो ये इसका भी हमारा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। ये गवर्नमेंट हमारा यूटी गवर्नमेंट जब से है तब से ये भी अच्छा काम किया है। और दूसरा जो है जो आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद हमारा ये प्रोग्रेस हो चुका है, वो 35 ख़त्म होने के बाद। तीसरा जो है हमारा इन्होंने एयरपोर्ट का जो उड़ान का स्कीम जो शुरू किया उन्होंने, पहले भी एक दो दफ़ा उस वक़्त कोलिशन सरकार था जम्मू कश्मीर में, उस वक़्त भी उड़ान स्कीम हमने सेंक्शन किया था, बाद में टेंडर भी हो गया, अलाटमेंट भी हो गया, फेल हो गया, उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर किया, तीसरी दफ़ा फिर किया, चौथी दफ़ा जो है इस वक्त जो है उड़ान स्कीम के अंदर ला के उसको सेंक्शन करवाया है। ये भी जल्दी हमारे पास शुरू होने वाला है, इसका भी मैं बहुत मशकूर हूँ अपने गवर्नमेंट का, ये भी एक अचीवमेंट है इसी एक साल के अंदर में। और ये इस वक्त जो इस वक्त ये चल रहा है हमारे कोविड 19 की जो वजह से जो है ये हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए हैं, ख़ासकर खसूसा जो है हमारे ज़ायरीन जो ईरान में फंसे हुए थे, हमारे स्टूडेंट जो है हमारे इंडिया के बाकी स्टेट में फंसे हुए थे, हमारे बिजनेसमैन फंसे हुए थे, हमारे पेशेंट फंसे हुए थे, उनके लिए लाने में जो है सबसे पहला प्रायोरिटी जो है करगिल को दिया गया, सिर्फ करगिल को। ये बात मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं सबसे पहले जो है मैं
उस वक्त हमारे एमपी के साथ जो है हम अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ हमने मुलाकात किया था, उसने वक्त प्रॉमिस किया उस वक्त कि मैं उस वक्त भी बोले थे कि उसने प्रॉमिस किया कि आपको सबसे पहला प्रायोरिटी जो है हम ईरान के जायरीन को देंगे, क्योंकि ईरान के यात्री वालों को देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए भी अहम है, क्योंकि ये वहाँ पर यात्रा करने के लिए गया है, तो उनको लाने के लिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, और उन्होंने दिए भी वहाँ पर प्रायोरिटी। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें कुछ सियासत खेल के हमारे वहाँ 2-3 फ्लाइट जो है वहाँ से खाली भी वापस कर दिया। यहाँ से हमने फ्लाइट भेज दिया, वहाँ से खाली वापस भेज दिया, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उससे जो है मोदी जी का नाम और ऊँचा होने का खतरा हो गया, बीजेपी का नाम और ऊँचा होने का खतरा हो गया। ईरान में बैठ के जो है वहाँ पर बैठ के वहाँ से बड़े बड़े अच्छे अच्छे खासे मतलब वीडियो बना के भेजना शुरू कर दिए। लेकिन जो हमने पहले बात किया था, 3-3 जहाज जो है वहाँ से खाली वापस करने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी उन्होंने इस काम को बहुत अच्छी तरह से सरंजाम दे दिया। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर लाया गया, मैं उसका भी हम बहुत अच्छी तरह से हम सभी लोग जानते हैं, हमारे स्टूडेंट किस तरीके से वहाँ फंसे हुए थे, कहाँ कहाँ फंसे हुए थे, किस तरह से फंसे थे, तो वो सबको भी यहाँ लाने में बहुत अच्छा काम किया है। और जो भी जम्मू में फंसे थे उनको भी लाने में, स्टेट के अंदर जो जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर फंसे थे उनको भी लाने में बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, अभी तक जो है कम से कम उसमें ईरान से जो फंसे हुए थे कम से तकरीबन 1300 जो हमारे पास वहाँ पर जो फंसे हुए थे उनको विद इन टाइम जो ला के उनको अपने घर तक पहुँचा दिया, क्वारंटीन ला के अभी तक अल्लाह की फजल से सबको ला के अपने अपने घर में पहुँचाया गया। और इसके अलावा जो है उस दौरान जो है रोड बंद था, रोड बंद होने की वजह से यहाँ सब्जी का किल्लत था, यहाँ पर मेडिसिन का किल्लत था, COVID-19 की वजह से मास्क का जो ज़रूरत था उनको, जिस तरह की हम मास्क पहनते हैं मास्क भी यहाँ किल्लत था, यहाँ तो कोई फैक्ट्री है नहीं, उसको इंडियन एयरफोर्स के थ्रू जो भी हमारी ज़रूरत है हमारे यूटी गवर्नमेंट ने के ज़रिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए जो यहाँ पर पहुँचाया गया, ये भी एक बड़ा मतलब अचीवमेंट है हमारे सरकार का एक साल के अंदर। और इस वक्त भी जो है अभी भी हमारे कारगिल में जो काम कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी बड़ा एक अचीवमेंट है। ये सारा चीज़ें जो है हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो अभी खैर अपोजिशन का बोलना तो होता ही है, कुछ ना कुछ खामियां तो रहता भी है, अभी घर में हम काम करते हैं तो घर में भी कुछ खामियां रहते हैं, लेकिन वो खामियां जो है इस तरीके से बोलने के ये नहीं है, लेकिन बोलना चाहे अपोजिशन अपने हिसाब से अपना अपोजिशन का रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सोचिए कि किस तरीके से इस वक्त तक अभी तक हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से इंतजामिया काम कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ का जो है हमारे एक साल के अंदर जो है और इस COVID-19 के अंदर जो है काम कर रहे हैं वो सब आप बखूबी जानते हैं। हमारे जो जिस वक्त हमारा रोड बंद था, इंडियन एयरफोर्स के थ्रू जो सामान लाया गया, जिसमें हमारे सब्जी भी थे, हमारे राशन भी थे, कम अज़ कम 1300 मेट्रिक टन जो है हमने वहाँ से हमारे गवर्नमेंट ने जो है बैर मतलब यहाँ पर ला के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये तरब सिर्फ करगिल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ले की बात नहीं कर रहा हूँ। 13,000 मेट्रिक टन जो है वो ला के डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर रोड खुल लिया, रोड खुलने के बाद जो है ट्रकों के सर ये जिस तरह जो है जो अभी भी हमारे जो सामान ला रहे जा रहे हैं वो तो आप खुद बखूबी जानते हैं वहाँ पर, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर फ्री राशन की बात करते हैं। फ्री राशन में जो है इस वक्त जो है हमारे पास एक रिकॉर्ड के साथ जो हमारे पास एक ये आया हुआ है, इसमें जो है फ्री राशन जो है अभी तक 16,793 फैमिलीज़ को जो कि BPL और AY कैटेगरी आता है उनमें 99% जो है हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका है गवर्नमेंट के ज़रिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के हिसाब से बांटा गया है। ये भी इसी एक साल के अंदर एक अचीवमेंट है हमारा, जो कि हमारे सारे फैमिली को पहुंच चुका है इस वक्त, जो हमको रिकॉर्ड के हिसाब से जो बोल रहे हैं, जिसमें 1,378 फैमिली को 99% को पहुंचे हुए हैं। 1,378 मेट्रिक टन जो है वो राइस डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, और दाल जो है 50 मेट्रिक टन जो है वो इस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जिसका परसेंटेज में तकरीबन 50% दाल जो है डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, 99% जो है वो राइस डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इसी दौरान में। उसके बाद फिर गैस सिलेंडर का मसला आता है। गैस सिलेंडर जो है 3 टाइम्स 3 दफ़ा जो है वो
जो उज्ज्वला के अंदर जो में आता है, उज्ज्वला के स्कीम के अंदर में आता है, उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो है कर चुका है 3 times. अभी ये कोविड 19 के जो पीरियड के अंदर जो है वो हमारे बेनिफिशरीज को उनके अकाउंट में जो है पैसा डाल चुका है. वो सिर्फ ये मत सोचो कि आप किसी को उज्ज्वला के थ्रू नहीं होगा, अपना अपना जाती होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. मैं ये उज्ज्वला के अंदर में जो आता है, स्कीम के अंदर आता है, उसकी बात कर रहा हूँ. उनको 3 times जो है उनके अकाउंट में पैसा दे चुका है. और तीसरा जो है हमारा जो जिन जिनका लेबर का जो है रजिस्ट्रेशन, जो लेबर ऑफिसर में जो गवर्नमेंट के एक्ट के हिसाब से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको पर मंथ 2,000 rupees उनके अकाउंट में आ चुका है. वो भी एक अचीवमेंट है. उसके बाद फिर आता है हमारा ये जनधन के स्कीम के तहत जो है वो हमारे औरतों के लिए, बच्चों के लिए, मतलब 500 rupees उनके अकाउंट में जमा होता है. वो भी उस अकाउंट में जमा हो चुका है. ये भी एक स्कीम के अंदर जो अकाउंट खोला है, जिनने जीरो बैलेंस पर जो अकाउंट खोला था जिन्होंने, उनके बात कर रहा हूँ मैं. यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं कि भाई कोई घर में बैठ के आराम से बैठ के बोलेगा मेरे अकाउंट में कुछ नहीं आया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. जिन्होंने जनधन स्कीम के अंदर जीरो बैलेंस के अकाउंट तहत जो है उन्होंने अकाउंट खोला था, उनके अकाउंट में जो है 500 rupees आ चुका है. ये भी एक अचीवमेंट है. और सबसे बड़ा मतलब ये हमारे पास एक ये है कि यहाँ पर जो है हमारा जिस वक्त कोविड 19 यहाँ पर शुरू हो गया तो हमारा टेस्टिंग जो है यहाँ से हमारा दिल्ली चले जाते थे, हमारे दिल्ली चले जाते थे, तो उसमें कम से कम 15-20 days लगते थे यहाँ पर. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लद्दाख में जो है, लद्दाख के अंदर जो है उन्होंने टेस्टिंग लैब खोला गया. टेस्टिंग लैब खोलने से हमारे पास एक फैसिलिटीज़ बढ़ा गया वहाँ पर. ये भी एक हमारे पास अचीवमेंट है. हमने तो 2 का डिमांड किया था करगिल में, लेह में, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से जो है वो 2 खोलने के उसमें आया नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान का पॉपुलेशन बहुत बड़ा पॉपुलेशन है. तो हमारे जो लद्दाख रीजन के अंदर जो जितने पॉपुलेशन आते हैं उस हिसाब से ये एक जो है काफ़ी बोल के फिलहाल के लिए हम पे खोला गया. ये भी एक हमारे लिए एक सहूलियत बन गया है. तीसरा PDC के अंदर, म्यूनसिपलिटी के अंदर जो हमारा आज तक इलेक्शन होते आ रहे हैं, जो आज तक हमारा इलेक्शन होता था, उस इलेक्शन में क्या होता था, कैसे होता था, ये हम सबको पता है. ये इससे पहले जो उनके गवर्नमेंट के अंदर जो हम आते थे, जिनके गवर्नमेंट के अंदर हम काम करते थे, उस वक्त भी इलेक्शन होता था. यहाँ पंचायत के इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन होते थे, हर जगह पंचायत निकालते थे, लेकिन उन पंचायत का उन पंच का, उन सरपंच का एक पैसे का वैल्यू नहीं रहता था. वो सिर्फ जो है गवर्नमेंट से जो है BDC के सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब तक कि पंचायत का इलेक्शन नहीं होता है तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से वो फंड वहाँ से रिलीज़ नहीं होता था. वो रिलीज़ करवाने के लिए सिर्फ पंचायत का इलेक्शन दिखाने के लिए करते थे. उसके बाद तमाम जो फंड जो होते हैं वो हमारे काउंसलर लोग, हमारे मिनिस्टर लोग, हमारे MLA लोग, हमारे MP लोग, वो लोग अपने अपने हिसाब से बांट के देते थे. और इस वक्त हमारे पंच और सरपंच के हाथ में 1 rupee भी उनके हाथ में नहीं आता, ना उनको पूछते थे कोई. लेकिन इस दफ़ा जो है बाज़ाब्ता पंचायत जो हिंदुस्तान में जिस तरह से चलते आ रहे हैं उसी तरह से जो है हमारे लद्दाख में भी पंचायत किया गया, हमारे लद्दाख में भी पंच निकाला गया, हमारे लद्दाख में भी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट निकाला, चेयरमैन निकाला गया, और उनको पावर दिया गया, उनके अकाउंट में पैसा दिया गया. और तीसरी बात जो है करगिल में सबसे पहले जो है हमारे टाउन में जो है टाउन का चेयरमैन का मायर का मसला था, और पहली दफ़ा जब से हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, जब से करगिल को डिस्ट्रिक्ट मिला है, तब से पहली दफ़ा जो है हमको मायर मिल चुका है. वो भी इसी 1 साल के अंदर कर दिया. आज तक ये सब काम करने के लिए किसी को हिम्मत नहीं आया, क्योंकि हिम्मत भी कैसे आता था, क्योंकि ये हमारे जो ऊपर बैठे होते हैं मिनिस्टर लोग बैठे होते हैं, JNK के अंदर जो मिनिस्टर बैठते थे, वो लोग ये चीज़ें होने नहीं देते थे. अगर ये चीज़ होते थे तो उनको वो फंड जो है अपने तरफ से अपने कार्यकर्ता तो अपने लोगों को अपने चमचों को भेजने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता था, उनके पास पैसा नहीं मिलता था. तो ये भी एक अचीवमेंट है हमारा. और इस वक्त अभी रिसेंटली जो है, अभी इस वक्त जो है हमारे पास एक बड़ा न्यूज़ आ रहा है, हम इसका बहुत मशकूर कर रहे हैं, मशकूर भी हैं हम, क्योंकि पहले से ही जब से मैं चेयरमैन भी था, मैंने उस वक्त भी ये चीज़ें हमने डिमांड करके रखे थे, उस वक्त भी हम डिमांड करते आ रहे हैं, लोगों का भी डिमांड था, बहुत सारे लोगों का डिमांड था. तो इसमें इस वक्त जो है हमारे यहाँ पर तकरीबन जो है जंगस्कर में 11 और करगिल में 19 जो है टावर जो है वो अभी इस वक्त सेंक्शन हो चुका है, और उनका जो है वहाँ पर टीम भी आ चुका है, काम शुरू हो गया है.
और इसका लिस्ट भी आ चुका है किस गांव में किस जगह पे टावर सेंशन हो चुका है। ये मैं बहुत मशहूर हूँ, मैं एमपी साहब का भी बहुत मशहूर हूँ और हमारे गवर्नमेंट का भी बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि हमारे इलाके में जो इस वक्त कोविड-19 की वजह से जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है, खासकर खसूस स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आ रहा है, जिनको पढ़ाई में जो खलल आ रहा है, पढ़ाई में जो मुश्किल आ रहा है, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। और बाकी हमारे इस वक्त सब लॉकडाउन में हैं, सब घरों में पड़े हुए हैं, उनको कहीं से न्यूज़ नहीं आ रहा है, जब तक नेट नहीं होगा, जब तक इंटरनेट नहीं होगा, तब तक वो किसी चीज़ को वो लोग आगे देख नहीं सकते हैं, उसको सुन नहीं पाते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम को भी नहीं सुन सकते हैं, कोई खबरें भी नहीं सुन सकते वो लोग। तो इसका मैं बहुत मशहूर हूँ तहे दिल से। मैं करगिल के आवाम की तरफ से भी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट का, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि 50 टावर जो है इस वक्त करगिल में जो सेंशन होना ये लद्दाख के लिए ये बहुत बड़ी इसकी बात है, फख्र की बात है। ये इस वक्त टेंडर निकाला है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंडर निकालता है हर प्राइवेट एजेंसी, गवर्नमेंट, BSNL सब का। तो ये टेंडर जो है वो जियो का है, तो ये अलॉटमेंट जो है वो जियो का हो गया है। तो जियो का जरिए जो है ये सारा चीज़ होने वाला है। और अभी रिसेंटली आप लोगों को, मीडिया वालों को पता होगा, कहीं लोग पता है, इस वक्त एक बड़ा हंगामा बन चुका है। लेकिन मैं एक और एक आप लोगों को एक मतलब लोगों को मैं एक दिलासा देना चाहता हूँ, कुछ जगहों पर ज़रूरी जगह थे वो छूट गए उसमें, तो उसके लिए हमको वहाँ से एक स्टेशन आया, उन्होंने कहा जो छूट गए हैं उनको दोबारा लिस्ट बना के देने की बात किया है, उसका मैंने अभी बात किया हुआ है, तो उसका हम लिस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। वो कलेक्ट करके हमने डायरेक्ट ही हमने वहाँ पर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारा टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब के सेक्रेटरी से भी उनके रबते में रहा है, तो उनसे भी रबते में है, और यहाँ पर हमारे MP साहब के भी रबते में है, और MP साहब ने भी मुझे पूरा विश्वास दिलाया है, कि यकीन दिलाया है कि भाई आप जो भी इसमें अगर कोई कमी पेशी रह गया है तो आप दोबारा बना के दे दो, मैं दोबारा सेंक्शन करके देगा बोला है। लेकिन जहाँ जहाँ नहीं मिला है आप लोग निराश मत हो जाए, हम वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो है इसमें कोई कमी पेशी नहीं रखते हैं। हमारा एक मिसाल है, हमारा एक कहावत है, हमारा एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है, ये चीज़ हमारे पास एक नारा है, वो तो मुमकिन है, हर चीज़ में मुमकिन है, नामुमकिन नहीं होना, निराश नहीं होना, तो ये चीज़ हम करने वाले हैं, हमारे लोगों को ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है जॉब पॉलिसी का, जॉब पॉलिसी जो है इस वक्त जो है माइग्रेंट जॉब पॉलिसी की है, उसके लिए है हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेंटर स्कीम है, उसके हिसाब से उसके अगेंस्ट में जो काम देने के लिए उन्होंने 50,000 करोड़ रुपया जो है वो सेंक्शन किया हुआ है इस वक्त। तो ये अभी रिसेंटली सेंक्शन हो चुका है, और इसका भी अभी रिसेंटली अभी इसका काम शुरू होने वाला है। जो भी माइग्रेंट होके कई जगह एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेंट हो गए, उनको जॉब देने के लिए, उनको काम देने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, क्योंकि उनका इस वक्त जो है कोविड-19 की वजह से हर जगह ब्लॉक हो गया, हर जगह काम बंद हो गया, तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, लोगों को बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो गया, तो किसी को खाने का प्रॉब्लम, किसी को दवाई का प्रॉब्लम, किसी को और हर साल कस्म का प्रॉब्लम, जो हमारे हज भी ज़रूरत जो है जब तक पैसा नहीं होगा तब तक जो है वो नहीं चलते, उसके लिए उसको दूर करने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट ने जो हमको जो सहूलियत दिया है उसमें 50,000 करोड़ रुपये जो है इसका सेंक्शन किया हुआ है, उसका ऑर्डर भी आ चुका है। लेकिन ये 50,000 करोड़ जो है पूरे इसके लिए है, तो हमारा हिस्सा भी यहाँ पर पहुँचने वाला है, तो उसका भी अभी जल्दी जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यूटी गवर्नमेंट जो है इसको डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है और करने वाला भी जल्दी होगा इस वक्त। और इस वक्त और एक मसला है यहाँ पर, हमारे जो किसान भाई लोग हैं हमारे यहाँ पर, जिनका किसान भाइयों का जिस तरीके से जो पॉलिसी में जो इनका जिनका रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिस एग्रीकल्चर के थ्रू हो चाहे हॉर्टिकल्चर के थ्रू जो भी हो, मतलब हमारे जो किसान है उनको आज से कम 3-4 महीने पहले शायद कि अनाउंसमेंट किया था कि भाई 6,000 रुपये उनके अकाउंट में दिया जाएगा, तो हमारे वो पैसा भी क्लियर कर चुका है, उसका पहला किस्त भी आके उन्होंने ले लिया है 2,000 के हिसाब से, दूसरा किस्त भी 2,000 भी ले लिया है, और तीसरा किस्त भी उन्होंने ले लिया है। हाँ, हो सकता है अगर किसी के अकाउंट में नहीं पहुँचा होगा या कुछ हो गया, वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से जाके आप देखो, रिज्यू करो, पता करो उसको क्या करना है, लेकिन मैक्सिमम जिन्होंने मतलब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिन जिनका नाम आया हुआ है किसान का, जो डिपार्टमेंट के थ्रू जिन्होंने पॉलिसी यहाँ से जितने भी लिस्ट दिए थे उनका पैसा आ चुका है, और उन्होंने 100% पैसा ले भी चुका है, उनके अकाउंट में जमा हो चुका है। तो ये सारा चीज़ें जो है हमारे इसी एक साल के अंदर का, ये एक साल के अंदर का अचीवमेंट है, ये पहले वाले 5 साल का नहीं, इसी एक साल के अंदर जो है। तो हम चाहते हैं कि अगर इस तरह से काम चले, इस तरह से अगर हमारे पॉलिसी चले, इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह रहे, तो करगिल क्यों नहीं तरक्की करेंगे। और रोजिला टेंडर की बात कर रहे हैं हम इस वक्त, इस तरह हमारा रोजिला टेंडर जो है 2-3 दफ़ा पहले भी ये किया,
उससे पहले जब हमारा टेंडर हो गया तो उस वक्त कांग्रेस के लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया वहाँ पर, उसकी वजह से हमको टेंडर को कैंसिल करना पड़ा। उसमें कम से कम एक साल डेढ़ साल उसमें लेना पड़ा। ये मोदी जी के पाँच साल के पहले वाले बीजेपी की हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं, डेढ़ साल उसमें लग गया। फिर उसका दोबारा रिटेंडर कर दिया उसको, दोबारा रिटेंडर करने के बाद उसको अलाटमेंट भी हो गया, अलाटमेंट होकर काम भी शुरू हो गया। ये बीजेपी सरकार में हो गया, जो तारीख में ये एक रिकॉर्ड है, ये 70 साल के अंदर जो नहीं हो गया, जो कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लीडर जो अपोजिशन के आके हमको बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के जाते थे लेकिन प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करता था। भाई खासकर उजला के बारे में बात कर रहा हूँ, कभी नहीं किया, किसी वक्त कोई काम नहीं किया। आपको सबको मैं अगर झूठ बोल रहा है, मैं अगर कोई कोई दूसरा कोई बात बोल रहा है तो लोगों को सबको पता है और अपोजिशन खुद को ही पता है, ये चीज़ खुद को पता है, लेकिन वो अपने आप को पर्दा लगा के आपको अपने आप के ऊपर उसको लिपाई लगा के उसको मरम्मत करके पुटीन लगा के साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। ये फैक्ट है और ये मानना भी है कि मोदी सरकार में जोजिला टेंडर जो है वो सेंक्शन भी हो गया है, अलाटमेंट भी एक दफ़ा हो के कैंसिल भी हो गया और इस वक्त दूसरा इस वक्त वो भी ठेकेदार की वजह से वो काम बंद हो गया, ठेकेदार उसमें फेल हो गया, ठेकेदार को उसको प्रॉब्लम हो गया, उसने काम छोड़ के चला गया, उसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं था। अभी जो है तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा इस वक्त जो है फिर टेंडर करने जा रहा है, उसका एडवर्टाइजमेंट भी निकल चुका है, आप लोगों ने नेट पे भी देखा होगा, मीडिया ने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है, सबों ने देखा है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है हमारे इसमें होने वाला है, तो इंशाल्लाह जोजिला टेंडर भी जल्दी जो है काम शुरू होने वाले जा रहा है। अगर कोई कंपनी उसमें रेट अच्छा सा बढ़ के अगर कोई कंपनी लेने वाला मिला तो हमारा किस्मत ख़राब है, क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे या तो कंपनी वाला फेल हो जाते हैं या तो गवर्नमेंट गिर जाते हैं। लेकिन जो भी हो इस वक्त अभी जो है जोजिला का काम भी करने जा रहा है। मैंने इससे पहले भी जो है आप लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से मैंने आपको काफ़ी मतलब ये बोला था तो कि ये जो चीज़ जो है जोजिला के बारे में एयरपोर्ट के बारे में बात चल रही है, उड़ान के तहत हम सेंचुरी लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं एयरपोर्ट का भी जितना जल्दी हो सके एक्सटेंशन करने की हम बात कर रहे हैं, उसका भी हम बात कर रहे हैं, बात चल रहे हैं, बातचीत हमारा उस वक्त। और हमने एक डिमांड और भी रखा था कि हमको पानीघाट टू जो है किश्तवाड़ का रोड भी थ्रू करने की जा रहा है, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि हाँ हमारे यहाँ पर जो इस वक्त बॉर्डर सिचुएशन के हिसाब से जो है चाहे पाकिस्तान का हो चाहे चाइना बॉर्डर हो, लद्दाख जो है वो एक बड़ा एक ये बन गया है, सेंसिटिव चीज़ बन गया है, सेंसिटिव इलाका बन गया है। इसके लिए जो है नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत है। मैं फिर से अपने आवाम की तरफ से अपने बीजेपी की यहाँ के हमारे कार्यकर्ता की तरफ से जो है हम अपनी गवर्नमेंट से हम डिमांड करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है करगिल एयरपोर्ट का जो एक्सटेंशन का आप जल्दी से जल्दी आप उसका भी सोचिए और जोजिला का टेंडर को 7 साल के मियाद में पूरा कर रहे हैं। उसको बोल रहा हूँ कि उसका मियाद जो जितना हो सके 4 साल 5 साल के अंदर ख़त्म करने की हम डिमांड कर रहे हैं, हम अपनी सरकार से डिमांड कर रहे हैं, अपनी सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं, हमारे अपने बीजेपी की सरकार से डिमांड कर रहे हैं। और तीसरा जो है हमको एक हमारा एक ज़रूरी चीज़ है कि हमको पानीघाट तो हमको किश्तवाड़ का रोड का भी आप 12 महीने का भी आप सहूलियत रखने की कोशिश करो। जब तक ये चीज़ें बन जाएंगे, चाइना जिस तरीके से हमारे इलाके को घेर रहे हैं, चाइना जिस तरीके से ट्रेड के बहाने पर जो है हमारे बॉर्डर को रोड के ज़रिए एयरपोर्ट के ज़रिए जो है वो लोग हर जगह इस तरह अपना ये बन रहा है, तो उसके लिए जो लद्दाख के पूरा इलाके को जो है जब बॉर्डर साइड से जो है हर जगह से आपको ये कवर करना पड़ेगा, चाहे एयरपोर्ट का हो चाहे रोड का हो। अब हम चाइना के ऊपर, हम पाकिस्तान के ऊपर, हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और आखिर में जो है मैं आप सबका बहुत बहुत मशहूर हूँ और हम अपने गवर्नमेंट का भी बहुत मशहूर हूँ। जब तक हम चाहते हैं कि इस तरह से अगर गवर्नमेंट काम करे तो इंशाल्लाह जो है हम आगे और बढ़ सकते हैं। हम अपने गवर्नमेंट का बहुत बहुत मशहूर हूँ, हम अपने कार्यकर्ता की तरफ से भी बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।